नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स पे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक ज़िले जौनपुर के बारे में। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। मध्यकालीन भारत में सरखी शासकों की राजधानी रहा जौनपुर वाराणसी से 58 किलोमीटर और प्रयागराज से 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। मध्यकालीन भारत में जौनपुर सल्तनत सन 1394 से 1479 के बीच उत्तरी भारत का एक स्वतंत्र राज्य था। वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश जौनपुर सल्तनत के अंतर्गत आता था, जिस पर सरखी शासकों का राज था। जौनपुर में अवधी, भोजपुरी और खड़ी हिंदी बोली जाती है। सरखी शासक कला के प्रेमी थे। उनके काल में यहाँ अनेक मकबरों, मस्जिदों और मदरसों का निर्माण कराया गया। शहर में मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में जौनपुर में चमेली का तेल, इमरती, मूली और दोहरा आदि के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर के प्रमुख आकर्षणों में आता है अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद का निर्माण 1393 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था, जो कि 1407 में इब्राहिम सरकी के शासनकाल में पूरा हुआ। मस्जिद के तीन तोरण हैं, जिसमें सुंदर सजावट है। बीच का तोरण सबसे ऊंचा है। निर्माण कला में मंदिर को आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पहले माँ अतला देवी का मंदिर था, बाद में मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर जो दूसरा आकर्षण है वह है जामा मस्जिद। जौनपुर की इस सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह ने 1458 से 1477 के बीच करवाया था। एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है इस मस्जिद का आंगन, जो कि 66 मीटर और 64 मीटर के अनुपात में है। प्रार्थना कक्ष में एक गुंबद आकर्षण का केंद्र है। फिर शाही किला। शाही किला गोमती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। शहर के दिल में यह स्थित होने के कारण शाही किला का निर्माण फिरोज शाह ने 1362 में करवाया था। इस किले के भीतरी गेट की ऊंचाई 36 फुट है और किले के अंदर एक बहुत ही सुंदर पार्क है, जिसमें रोज़ सुबह लोग घूमने आते हैं। फिर यहाँ पे एक शाही किला बहुत ही फेमस है। शाही पुल गोमती नदी पर बने एक खूबसूरत पुल का मुनीम खान ने 1568 में बनवाया था। यह पुल आज भी मजबूती के साथ गोमती नदी पर खड़ा हुआ है। शीतला माता मंदिर। यहाँ शीतला माता का एक लोकप्रिय प्राचीन मंदिर है, जिनको चौकिया धाम के रूप में भी जाना जाता है। इसका निर्माण यहाँ के प्राचीन अहीर यानी यादव शासक हीराचंद अहीर ने करवाया था। मंदिर के साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत तालाब है। श्रद्धालुओं का यहाँ रोज़ आना जाना लगा रहता है। लगभग 4000 से 6000 लोग आते जाते रहते हैं। फिर है जमदग्न ऋषि का आश्रम। जिले में जमैथा गांव की गोमती नदी के किनारे स्थित यह आश्रम एक धार्मिक केंद्र के रूप में विख्यात है। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि जमदग्न ऋषि अपनी पत्नी रेणुका और पुत्र परशुराम के संबंध रखने वाला यह आश्रम आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। अब बात करते हैं जौनपुर शहर में आने जाने की व्यवस्था को लेकर। तो वायु मार्ग की अगर हम ध्यान में लें तो जौनपुर शहर का सबसे निकटतम एयरपोर्ट वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री यानी बाबतपुर एयरपोर्ट है। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर लगभग 45 मिनट की यात्रा करने के बाद आप जौनपुर शहर पहुँच सकते हैं। रेल मार्ग की बात करें तो जौनपुर में दो मुख्य रेलवे स्टेशन हैं, जौनपुर जंक्शन और जौनपुर सिटी स्टेशन। जौनपुर का रेलवे स्टेशन लखनऊ वाराणसी दीनदयाल उपाध्याय रेल लाइन पर पड़ता है। अगर सड़क मार्ग की बात करें तो जौनपुर शहर के आसपास के अनेकों शहर से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है।
वाराणसी, प्रयागराज, फैजाबाद, अयोध्या, अकबरपुर, लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, पडरौना शहरों से जौनपुर के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।